हेलो माय डियर किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीटेड कर लिए थे, ओके। अब है अपना ग्रामर पोर्शन, फर्स्टली अपना वोकैबुलरी पोर्शन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। तो आपको इस वर्ड्स को रीड करना है, चौक, वॉक, टॉक, मिल्क, फॉक, रिच, मैच, बेंच, चर्च, फैच, केयर, फेयर, मैर, बैर, रेयर। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, लाइक फर्स्टली में आप देखो एल के, सेकेंड में सी एच, थर्ड में आर ई, तो आपको उनका साउंड अच्छे से देखना चाहिए, चौक, वॉक, टॉक, मिल्क, फॉक, ओके। तो आप इसे अच्छे से रीड आउट करिए। नेक्स्टली अपना आता है एनीग्राम। वॉट इज एनीग्राम? तो एनीग्राम क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको पहले एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक मैड का डैम, ओके, मैट डैम। तो अपन ने क्या किया, एम ई डी मैट, मैट को अपन ने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके उसका न्यू वर्ड निकाल लिया, डी एम डैम, ओके। तो जब भी लेटर्स को रीअरेंज करके उसको न्यू वर्ड, उसका न्यू वर्ड बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीग्राम। या आपके यहाँ डेफिनेशन भी है एनीग्राम की, वैन द लेटर्स ऑफ अ वर्ड कैन बी रीअरेंज टू मेक न्यू वर्ड, इट इज़ कॉल्ड एनीग्राम। तो एनीग्राम क्या है, जब भी लेटर्स को, मतलब कोई एक वर्ड के लेटर्स को अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और उसका न्यू वर्ड बनाते हैं, तो उसे हम एनीग्राम कहते हैं। लाइक डैम जो है वो मैड का एनीग्राम है, और जो यहाँ डॉग है वो गॉड का एनीग्राम है। तो यहाँ जो एक्सरसाइज है उसमें अपन को वर्ड्स रीअरेंज करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं, ओके। और ये जो वर्क है आपका ई वाला, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में ही फिल करना है, ओके। सो फर्स्ट है टॉप, टी ओ पी टॉप, तो टॉप से अपना न्यू वर्ड क्या बना, पी ओ टी पॉट। तो ये एक एनीग्राम है, पॉट किसका एनीग्राम है, टॉप का। सेकंड टी आर तार, तार का क्या हो जाएगा, आर ई टी रेट। थर्ड लूप, लूप का क्या हो गया, पूल। टैब बैट, मग गम, वॉल्फ फ्लो। तो ये अपन ने न्यू वर्ड इनके निकाल लिए। अब अपना नेक्स्ट आता है ग्रैब द ग्रामर, ओके। अब अपन ग्रामर पढ़ेंगे। नाउन्स, एज यू ऑल नो, जो संज्ञा होती है हिंदी में उन्हें हम नाउन कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। जो नाउन होते हैं उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। हर किसी के नाम को अपन नाउन कहते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे एनिमल का, चाहे थिंग का, उसे हम नाउन कहेंगे, ओके। तो नाउन और नेमिंग वर्ड्स दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल प्रियांशी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, तो प्रियांशी नेम है एंड गर्ल वो उसकी संज्ञा ही है, नेम ही है, ओके। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, सो दिल्ली एंड सिटी इज ऑल्सो नेम, ठीक है, नेमिंग वर्ड है दिल्ली और सिटी। आई लाइक रैबिट, तो रैबिट भी नेम किसका है, एनिमल का है, ओके। सो स्टूडेंट्स लास्ट, माय बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक और टेबल है वो क्या है, थिंग है, तो ये भी नेमिंग वर्ड्स है। तो जितने भी देखो यहाँ, ऑल द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर नेमिंग वर्ड्स, तो जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं अपने सेंटेंसेस में देखिए, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन एफ, जो नेमिंग वर्ड्स से रिलेटेड है, ओके। तो आपको ये बॉक्स में दे रखा है नेमिंग वर्ड्स, मतलब बहुत सारे आपको नेम्स दे रखे हैं, और ये आपको राइट कॉलम, कॉलम कौन सा है, लाइक पर्सन, तो आपको यहाँ पर्सन्स के नेम लिखने हैं, प्लेस यानी जगह के नाम लिखने हैं, एनिमल या बर्ड की कोई पक्षी या पशु उसका नेम लिखने हैं, और थिंग यानी कोई चीज़ें, तो आपको उस इस कॉलम में लिखने हैं। तो फर्स्ट है अपना स्पून, स्पून क्या है, थिंग है, तो मैंने इसे राइट डाउन कर दिया है थिंग वाले कॉलम में। टीचर, टीचर इज अ पर्सन, डोर इज अ थिंग, अमेरिका इज अ प्लेस, ओके। लैम्प इज अ थिंग, कविता इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, राहुल इज अ नेम ऑफ अ बॉय, माउस इज अ नेम ऑफ एनिमल, लायन इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, डॉग इज एन एनिमल, हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस, एंड उत्तराखंड इज़ अ प्लेस। सो हमने इसे अच्छे से कॉलम वाइज सेपरेट कर लिया, ओके। नेक्स्ट है एक्टिविटी एरिया, एक्टिविटी एरिया में आपको एक
ऐसे लिखना है फ्रेंडशिप पर, जो आपकी व्यूज़ है फ्रेंडशिप पर, बट आपकी जो फ्रेंड है, ओके, आपका जो हर किसी के पास अपना फ्रेंड होना चाहिए, ओके, तो यू मस्ट हैव अ बेस्ट फ्रेंड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एंड हर, आप उसके लिए क्या सोचते हैं. तो आपको अपने फ्रेंडशिप के बारे में 5 to 8 लाइंस लिखनी है. अपने पास 6 लाइंस अपन ने लिखी है. तो सबसे पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे लिख लो कि माय फ्रेंड नेम इज़, तो आपका फ्रेंड कौन है. तो जो भी आपका फ्रेंड है उसका नेम यहाँ आ जाएगा, ही और शी. डियर स्टूडेंट्स, ही मेल के लिए यूज़ होता है. जैसे कोई लड़का आपका फ्रेंड है तो ही यूज़ करेंगे, और अगर कोई लड़की आपकी फ्रेंड है तो शी यूज़ करेंगे. ओके, ही बॉय के लिए एंड शी गर्ल के लिए. तो माय फ्रेंड्स नेम इज़ डैश, जो भी आपके फ्रेंड का नेम है वो राइट डाउन होगा. ही और शी स्टडीज़ इन माय स्कूल. ही और शी ऑलवेज़ हेल्प मी, मतलब जो फ्रेंडशिप होती है उसमें हमेशा, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कि फ्रेंड को हमेशा शेयरिंग करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ प्लेइंग करनी चाहिए. तो आई प्ले विद माई फ्रेंड. ही और शी ऑलवेज शेयर. अब हिज किसके लिए आएगा, लड़के की चीज़ों के लिए आएगा, और हर किसके लिए आएगा, लड़की की चीज़ों के लिए आएगा. ओके, तो ये आपकी 6 लाइंस है जो आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है. तो जो क्वेश्चन एफ था वो भी आपको अपने बुक में ही फिल करना है, और जो ये एक्टिविटी है ये भी आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है. ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रेन टीसर. ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है. मैं आपको समझा देती हूँ. लाइक आई हैव 4 लेग्स, ये एक अपन को इसमें नेम लिखना है कि ये कौन है. आई हैव 4 लेग्स, मेरे पास 4 लेग्स है. एंड यू सिट ऑन मी, और आप मुझ पर बैठते हैं. आई एम राइम विद फेयर, मतलब जो मेरा राइमिंग वर्ड है, मतलब सेम साउंड वर्ड है, वो क्या है, फेयर. एंड हु आई एम, सोचो मैं कौन हूँ. तो अपन किस पर बैठते हैं जिसके 4 लेग्स होते हैं, चेयर. ओके, चेयर के 4 लेग्स होते हैं और हम उस पर बैठते हैं, और चेयर फेयर इज सेम साउंड वर्ड्स. ओके, तो आंसर क्या होगा, CHEIR, चेयर. ओके, आई लीव इन योर बैग, ये कहाँ रहता है, बोल रहा है मैं आपके बैग में रहता हूँ. और मैं किससे मेड हूँ, मतलब मैं किससे बना हुआ हूँ, पेपर से बना हुआ हूँ. आई राइम विद शुक, और मेरा जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, शुक. हु एम आई, अब पहचानो मैं कौन हूँ. तो कौन है, सोचो सोचो, बुक. यस, बुक का शुक राइमिंग वर्ड्स है, और ये बुक आपकी कहाँ रहती है, आपके बैग में रहती है. और बुक में, बुक किससे बनी हुई है, पेपर से बनी हुई है. तो BOOK, बुक. ओके, एंड दिस इज़ योर होमवर्क माय डियर किड्स, ये आपका होमवर्क है. आपको क्या करना है इसमें, इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला. आपको किसकी पिक्चर बनानी है, अम्ब्रेला की. ओके, तो आपको यहाँ पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है अम्ब्रेला की, एंड उसमें कलरिंग भी करनी है. तो ये आपका ओनली बुक में ही कंप्लीट वर्क है. तो होपली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.